हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मोस्ट अवेटेड डिटेक्टिव थ्रिलर वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमरा का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है। इसमें डिटेक्टिव बुमरा एक ऐसे आदमी की खोज कर रहे हैं जो छत से तो कूदा है पर नीचे नहीं आया। देखते हैं इसके ट्रेलर की एक झलक। समय की बात भी अलग है, जब वो अंगड़ाई लेता है तब हम कठपुतली बन बीच में झूलते नजर आते हैं, जैसे मैं आज मौत को गले लगाने वाला हूं। रोपा मवेली, राजस्थान। कुछ दिन पहले देर रात अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी छत से कूदा पर नीचे नहीं आया, वो हवा में गायब हो गया। आप इस वेब सीरीज को कहानीकार सुधांशु राय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया, अब आप देख कर बताइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मोहित, रवि और स्मित ग्रीन पैलेस होटल में बैठे डिनर कर रहे थे। 2 साल पहले ही तीनों ने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी और अलग अलग शहरों में उनकी जॉब्स लगी थी, और आज के दिन वो तीनों 2 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। यार स्मित, भगवान की दया से जॉब तो हम तीनों को ही बढ़िया मिली है, लेकिन सच बताऊं तो कॉलेज के दिनों की बात ही अलग थी यार। सही कहा तूने यार, वो दिन कभी दोबारा घूमकर नहीं आ सकते। हाँ यार, मिस रोजी जैसी औरत मैंने आज तक दोबारा नहीं देखी। प्लीज यार, तुम लोग वो दिन याद मत दिलाओ मुझे, वरना अभी यहाँ किसी लड़की को जेब बनाऊंगा और सीधा गोवा वाले बीच पर। कहकर रवि हंसने लगा। तीनों ने डिनर करते हुए खूब सारी बातें की और अब टाइम 10 बजे के नजदीक हो चला था। चलो गाइस, 10 बज चुके हैं और हमें किस रास्ते से होकर जाना है ये भी तुमको पता है? अरे पता है, सुनसान है और जंगली इलाका है, इसमें डरने वाली क्या बात है, हम लेडीज थोड़ी ना है। कहकर मोहित मुस्कुराने लगा। उसके बाद तीनों उठ खड़े हुए और फिर अपनी कार से होम टाउन की तरफ रवाना हो गए। रास्ता काफी सुनसान था, तीनों हंसी मजाक करते हुए सफर कर रहे थे। रवि को ड्राइव करते हुए नजर आया कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी है। क्या बात है यार, एक खूबसूरत लड़की इस इलाके में अकेली खड़ी है। सुनकर स्मित और मोहित ने भी उसकी तरफ देखा। तू सीधा चलता रहे, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सुनकर बाकी दोनों हंसने लगे। लगता है तुझे डर लग रहा है ना बच्चों? इतने में वे लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। रवि ने उसके बराबर में पहुंचकर कार रोक दी और फिर तीनों उसको घूरने लगे। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और ब्लैक हाई हील सैंडल। तीनों मानो उसके दीवाने हुए जा रहे थे। वह लड़की सड़क के किनारे लगे एक पेड़ के पास खड़ी थी और उसका उन चारों की तरफ कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रहा था, जैसे कि उसको लिफ्ट की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते हो गाइस, इसको लिफ्ट दे दें? दिल तो यही चाहता है यार, लेकिन इसको लिफ्ट चाहिए होती तो अभी तक अपने आप बोल चुकी होती। अबे ट्राई मारने में क्या हर्ज है, पूछ कर देखते है ना। कहकर स्मित कार से उतरा। लड़की ने उससे नजरे मिलाई तो वो बोला, आप इस टाइम जंगल में अकेली, शायद आपको लिफ्ट की जरूरत होगी। सुनकर उस लड़की ने स्मित को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आपको मेरे अकेलेपन की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। As you can see, I'm the girl of 21st century. इतना सुनकर मोहित और रवि भी कार से बाहर निकले और मोहित बोला, देखिए शायद आप हमें गलत समझ रही हैं। We are also from 21st century generation. आपकी हेल्प करने के लिए ही हम रुके थे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल जा रही थी, अचानक हमारी कार खराब हो गई और वो उसको धक्का मार मार के यहाँ से ले गए। अब जब वो ठीक हो जाएगी तो वो मुझे वापस लेने आ जाएंगे। अरे आपको क्या पता कि वो कब तक वापस आएंगे, आप हमारे साथ चलिए, यहाँ थोड़ी ही दूर पर मेरा एक आउट हाउस है, हम वहीं पर जा रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ रुककर अपने फ्रेंड्स का वेट कर सकती हैं। ये सुनकर मोहित और स्मित रवि का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनका आउट हाउस जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी वह उस लड़की को देखते चुप रहे। वह लड़की भी उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगी। स्मित ने मोहित के कान में फुसफुसाया, ये साला लड़की देखकर पागल हो गया है,
अगर इसने मना कर दिया तो इंसल्ट हो जाएगी यार। अबे बोलने दे यार, बस ये किसी तरह साथ चलने को राजी हो जाए। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मुझे आपकी हेल्प ले लेनी चाहिए। जी आइए। कहकर रवि ने कार का दरवाजा खोला और वो उसमें पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसके बाद वो तीनों अपनी अपनी सीट पर बैठे और रवि ड्राइव करने लगा। रास्ते में उन तीनों ने उस लड़की से खूब बातें की। उसने अपना नाम निहारिका बताया और वो अपनी बातों से ही निडर मालूम हो रही थी। एक कार में तीन अनजान लड़कों के साथ अकेली होने के बावजूद उसके चेहरे पर नाम को भी डर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो उससे खूब अच्छे से बात कर पा रही थी। एक घंटे की ड्राइव करने के बाद रवि ने अपने पुराने आउट हाउस के सामने कार रोकी। दिस इज माई आउट हाउस। अरे वाह, ये है आपका आउट हाउस? ये तो बहुत ही शानदार है। तो चलो, हमें भी यहाँ आए हुए सालों हो गए, पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। सुनकर रवि ने कार उस रास्ते पर ले ली और फिर साइड में पार्क करके सभी आउट हाउस के अंदर पहुंचे। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। सामने चिमनी में पहले से ही लकड़ियां पड़ी हुई थी और उसके आसपास सोफा सेट लगा हुआ था। वाओ, आपका आउट हाउस तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। तुम सब बैठो, मैं इस ठंड को कम करने का इंतजाम करता हूँ। कहकर रवि चिमनी की तरफ बढ़ गया और बाकी तीनों सोफे पर बैठ गए। इसमें ठीक निहारिका के बगल में बैठा था और मोहित सामने। निहारिका नजरें गड़ाकर सामने मोहित को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट झलक रही थी, जैसे कि वो उसको कोई इशारा दे रही हो। रवि अभी आग जलाने में लगा हुआ था। निहारिका ने बालकनी की तरफ देखा और बोली, तुम लोग यहीं बैठो, मैं जरा बालकनी में होकर आती हूँ। जरा देखूं तो इस आउट हाउस की बालकनी से कैसा व्यू दिखता है। कहकर वो उठी और बालकनी की तरफ चली गई। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। कहकर मोहित खड़ा हुआ और फिर बाथरूम के बहाने स्मित से नजरें बचाकर बालकनी में चला गया। वहां निहारिका ग्रिल पर हाथ रखे खड़ी नीचे की तरफ देख रही थी। मोहित भी उसके बराबर में जाकर खड़ा हुआ और उसके हाथ के ठीक पास अपना हाथ रख दिया। जब निहारिका के ठंडे हाथ से मोहित का हाथ टच हुआ तो उसने मोहित की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। मोहित की हिम्मत बढ़ी और वो बोला, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सुनकर वो मुस्कुराई और मोहित के गले में अपने दोनों हाथ डालकर बोली, जानती हूँ। कहकर वो उसके गले लग गई। मोहित का हाथ उसकी कमर पर चलने लगा और उसने निहारिका को कसकर अपने गले लगा लिया। मोहित की खुशी का ठिकाना ना था। निहारिका के हाथ अब भी मोहित की कमर पर चल रहे थे और देखते ही देखते उसके नाखून अपने आप लंबे होने लगे। मोहित को अब चुभन महसूस होने लगी थी। उसने जैसे ही एक झटके से निहारिका को खुद से अलग किया, उसका चेहरा देख मोहित की सांस अटक गई और धड़कनें तेज तेज चलने लगी। उसके नाखून बहुत ही लंबे हो चुके थे और आंखें नीली बिल्ली जैसी चमक रही थी। मोहित डर कर चीख मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही निहारिका ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से उसके पीठ पर ऐसा हमला किया कि उसके नाखून समेत चार उंगलियां मोहित के पेट के अंदर तक चली गई। उसके बाद मोहित कुछ ही सेकंड्स में मर गया और निहारिका ने उसको बालकनी से नीचे गार्डन में फेंक दिया। आग जलाने के बाद रवि ने देखा कि निहारिका और मोहित दोनों गायब है और स्मित अकेला बैठा हुआ है। ये दोनों कहां पर है? वो तो बालकनी में गई थी और मोहित बाथरूम कहकर गया है। क्या हुआ, किसकी ढूंढ मच रही है? सामने से निहारिका आते हुए बोली, किसी की नहीं, आओ बैठो। सुनकर वो मुस्कुराती हुई आई और आकर रवि की बराबर में बैठ गई। तुम्हारा ये आउट हाउस कब से खाली था? पिछले 2 साल से। 2 साल बाद बिना किसी रीजन के यहाँ आने की कैसे सूझी? हम कॉलेज के दिनों में यहाँ साल में 2 बार आया करते थे, इसलिए आज 2 साल बाद जब मिले तो मन हुआ कि पुरानी यादें ताजा कर लें। मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगे जहाँ आप ठहरा करते थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहते हुए स्मित खड़ा हुआ और निहारिका को अपने साथ कमरा दिखाने ले गया। रवि अकेला बैठा ये सोचता रह गया कि काश वो स्मित से पहले बोल पाता तो निहारिका को कमरा दिखाने वो पहले जाता। स्मित ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और फिर बोला, ये मेरा कमरा हुआ करता था। इट्स रियली नाइस। कहते हुए निहारिका कमरे के अंदर बढ़ गई
और फिर स्मित ने भी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। निहारिका धीरे से उसके बेड की तरफ बढ़ी और फिर चादर पर हाथ फेरते हुए लेट गई। स्मित यह देखकर हैरान था। वह खड़ा हुआ निहारिका को देख रहा था और वह भी चेहरे पर मुस्कान लिए उसको देखे जा रही थी। स्मित धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा। निहारिका ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी बराबर में उसको बेड पर गिरा दिया। फिर उसकी तरफ करवटें लेकर अपना एक हाथ उसके चेहरे पर फेरने लगी। हॉल में बैठा हुआ रवि यह सोच रहा था कि मोहित अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उसने उठकर बाथरूम में देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर वह वहां से बालकनी में गया तो वहां भी उसको नजर नहीं आया। फिर जैसे ही उसकी नजर जमीन पर फैले खून पर पड़ी तो उसकी आंखें फट गई। ये खून किसका है? यहां तो सिर्फ निहारिका आई थी, कहीं ये खून मोहित का? उसके अल्फाज अधूरे रह गए और वो जल्दी से भागकर उस रूम की तरफ गया जिसमें स्मित और निहारिका गए थे। लेकिन उसकी हिम्मत डायरेक्ट अंदर घुसने की नहीं हुई तो वो हॉल से झांक कर देखने लगा। स्मित बेड पर लेटा है और निहारिका उसके चेहरे पर हाथ फेर रही है। स्मित ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसके ठंडे हाथों का टच महसूस करने लगा। तभी निहारिका के नाखून फिर से बढ़ने लगे और आंखों का रंग बदल कर नीला हो गया। उसने अपने तेज नाखूनों से स्मित के चेहरे पर दो वार किए और स्मित ने चिल्लाते हुए हड़बड़ी में अपनी आंखें खोली। जब उसकी नजरें निहारिका की खौफनाक नजरों से मिली तो डर के मारे उसके होश उड़ गए। बाहर खड़े रवि का भी यह देखकर बुरा हाल था। स्मित ने निहारिका को धक्का देकर अपने पास से हटाया और फिर दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही निहारिका ने उसको पीछे से पकड़ा और उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथों के तेजधार नाखून गाड़ दिए। स्मित की गर्दन से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिरकर भयानक आवाज करते हुए तड़पने लगा। रवि की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ करे। वो वहां से बहुत तेज रफ्तार के साथ मेन डोर की तरफ भागा। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही घर की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई। रवि को कुछ भी नजर नहीं आया तो डरते डरते उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैश ऑन की। सामने निहारिका अपने भयानक अवतार में खड़ी थी जिसको देखकर रवि डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। रवि फिर से भागने के लिए पलटा लेकिन निहारिका ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और बोली, क्या हुआ रवि? एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी हेल्प करने के बजाय झूठ बोलकर अपने आउट हाउस लेकर आए थे ना, अब यहाँ से भाग क्यों रहे हो? कहकर उसने रवि को अपनी तरफ घुमा लिया। हमने तुम्हारी हेल्प करने के लिए कार रोकी थी, तुम हमें क्यों मार रही हो? सुनकर निहारिका का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोली, झूठ कह रहा है तू। मेरी हेल्प करने की सोची थी तो मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए पूछ दे, अपने घर क्यों लेकर आए थे? सुनकर रवि बहुत डर गया और थर थर कांपने लगा। निहारिका ने अपना पंजा ऊपर उठाया और रवि के पेट के अंदर घोप डाला। आउटहाउस के बाहर तक रवि के दर्द से चीखने की खौफनाक आवाज फिजा में गूंजी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली रात 10 बजे एक कार तेज रफ्तार के साथ रोड से गुजर रही थी जिसमें एक नौजवान लड़का बैठा ड्राइव कर रहा था। जब उसने देखा कि सड़क के किनारे निहारिका खड़ी है तो उसने उसके सामने ले जाकर कार रोक दी। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? सुनकर उस लड़के ने ऊपर से नीचे तक निहारिका को देखा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे दोस्त का आउट हाउस है, आज रात वहाँ रुकते हैं, सुबह आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। निहारिका मुस्कुराई और उसकी कार में बैठ गई। कार फिर से तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगी। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।